तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे किरमाड़ा से हम लोग कैसे भी कर बचकर अपने ओवरवर्ल्ड वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद एंटिटी 606 और मैं हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन की बॉडी चेन से बांधकर एक आइलैंड पर छुपा देते हैं ताकि किसी भी एंटिटी को उनकी बॉडी ना मिल सके। और फिर एंटिटी 606 हमें लेकर जा रहा होते एक बंदे के पास जिससे हम लोग मदद मांग सके। लेकिन रास्ते में हमारा सामना होता है दोबारा से किरमाड़ा से, जो कि हमें देखते साथ ही हमारे ऊपर अटैक करने लग जाता है और हमें चारों तरफ से एक बेडरॉक की वॉल पर फंसा देता है। लेकिन कैसे भी कर एंटिटी 606 अपनी पावर की मदद से हमें लेकर वहां से भी भाग जाता है और एंटिटी 606 हमें एक जगह पर टेलीपोर्ट कर लेता है जिससे कि एंटिटी ओमेन हमें नहीं देख पाता और थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद एंटिटी 606 हमें लेकर पहुंच जाता है उसी बंदे के पास जिससे एंटिटी 606 मदद मांगने वाला था। लेकिन गाइस, क्या उस बंदे को एंटिटी ओमेन के बारे में या फिर किरमाड़ा के बारे में पता होगा? और क्या गाइस, ये बंदा भी कहीं एंटिटी ओमेन के साथ तो नहीं मिला हुआ? गाइस, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ओके गाइस, फाइनली अभी एंटिटी 606 ने इस बंदे को सब कुछ बता दिया कि कैसे गाइस हम लोग एंटिटी ओमेन मतलब गाइस किरमाड़ा से भागते भागते आपके पास आए हैं ताकि आप हमारी कुछ मदद कर सके। और गाइस उसके बाद इस बाबे ने एंटिटी 606 को बताया कि गाइस तुम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और गाइस ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। गाइस इस बाबे का कहना है कि हमें कैसे भी कर किरमाड़ा को किसी पोर्टल के थ्रू या फिर गाइस किसी और अलग डायमेंशन में ट्रैप करना होगा और गाइस उसके लिए ये बंदा हमारी मदद करने वाला है। गाइस इसका कहना है कि मैं तुम लोगों के लिए एक मैप लेकर आने वाला हूँ गाइस, जिस मैप पर एक पोर्टल की लोकेशन है। और गाइस इस बंदे का कहना है उस पोर्टल पे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटीज का राज है। लेकिन ओके एंटिटी 606 क्या हुआ? ओ तो ओके गाइस, अभी ना ये बाबा जा रहा है वही मैप लेने के लिए क्योंकि गाइस इसने ना वो मैप बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पर रखा है। इसीलिए गाइस इस बंदे का कहना है कि तुम लोग यहीं पर रहो, वो 2 मिनट में आता है। और गाइस यहाँ पर देखो भाई साहब, पता नहीं इस बंदे के पास गाइस कैसी कैसी पावर्स है। लेकिन भाई साहब ये मुझे मार क्यों रहा है? एंटिटी 606 यार क्या हुआ क्या? तो गाइस एंटिटी 606 का कहना है कि तुम इसे टच मत करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक मिनट एंटिटी 606, तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो? क्या भाई साहब ये कौन सा मॉब है? लेकिन क्या ये एक असली इंसान था? ओ ओके गाइस, एंटिटी 606 ने मुझे सब कुछ बता दिया और गाइस एंटिटी 606 ने मुझे बताया है गाइस आप लोग ये जो मॉब देख रहे हो ना गाइस, बल्कि ये मॉब नहीं, पहले मेरी तरह एक नॉर्मल प्लेयर था। और गाइस एंटिटी 606 का कहना है कि एक दिन इसने भी इस बंदे के पोशन को मतलब गाइस कोई पोशन था जो कि खुला हुआ पड़ा हुआ था और गाइस उसने ना उस पर हाथ लगा दिया और गाइस उसके बाद से ये ऐसा मॉब बन गया। गाइस मुझे तो ये कोई शराब टाइप लगता है जिससे गाइस हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और गाइस ये बंदा मुझे कोई जादूगर लगता है। और गाइस हाँ, अभी ना हमें कैसे भी कर जल्दी से जल्दी हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन को लेकर आना होगा यहाँ पर, जिससे गाइस ये बंदा उन्हें ठीक कर सके। और गाइस साथ ही साथ उस बंदे ने हमें ना ये भी बताया था कि मैं तुम्हारे दोस्तों को देख सकता हूँ, मतलब गाइस उसका कहना है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को ठीक कर सकता हूँ या फिर नहीं। लेकिन ओके गाइस, फाइनली ये बंदा आ चुका है एंटिटी 606। यार ये बाबा तुम्हें क्या कह रहा है? ओके गाइस ये पता नहीं अपनी बुक तो लेकर आया है, लेकिन गाइस इसके हाथ पर मुझे वो वाला मैप नहीं दिख रहा जो कि ये हमसे कह रहा था। ओके लेकिन एक मिनट गाइस, इसके हाथ में कोई मैप टाइप हो जाए है। ओके बाबा जी मैं ये ले लेता हूँ, लेकिन भाई साहब ये कैसा मैप है? तो ओके गाइस इस बंदे का कहना है कि इसी मैप पर उस पोर्टल की लोकेशन है। लेकिन हाँ गाइस इस बंदे ने ना हमें एक वार्निंग दे दी है और गाइस इस बंदे का कहना है कि जब तुम लोग उस पोर्टल के करीब जाओगे ना तब गाइस उसके अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे एंटिटीज है जो कि गाइस हमें जाते साथ ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, और गाइस अभी ना इस बंदे का कहना है कि मैं और एंटिटी 606 जाएंगे उसी पोर्टल की लोकेशन पर वो पोर्टल देख कर आने के लिए। आखिर गाइस वो पोर्टल है किस जगह पर?
और गाइस उसके बाद हम लोग कोई प्लानिंग बनाएंगे जिससे गाइस हम लोग किरमाड़ा को उस पोर्टल के अंदर बंद कर सकेंगे। लेकिन गाइस जब तक के लिए हम लोग जा रहे हैं पोर्टल देखने, और गाइस तब तक ये जो बाबा जी है और एल्बर्ट मिलकर जाएंगे हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन की बॉडी वाली लोकेशन पर, और गाइस वहाँ से उन दोनों की बॉडी उठाकर ये लोग ना इस बेस पर लेकर आएंगे। और गाइस उसके बाद ये बाबा जी उनको चेक करेगा। लेकिन गाइस इसने मुझे पहले ही कहा है कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं ठीक भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन गाइस फिर भी भाई ओके गाइस लगता है कि एल्बर्ट और ये लोग तो जा रहे हैं, लेकिन एंटिटी 606 यार अभी हमें भी चलना चाहिए उसी पोर्टल की लोकेशन पर। तो ओके गाइस एंटिटी 606 का कहना है कि हमें भी चलना चाहिए। ओके एंटिटी 606 यार जल्दी करो, क्योंकि वो लोग हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन की बॉडी लेकर आते होंगे। और गाइस मुझे ना हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन को भी जल्दी से जल्दी बताना है ये सब। गाइस बस एक दफा वो लोग होश में आ जाए। तो ओके गाइस अभी एंटिटी 606 मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका है। लेकिन गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि वो जो मैप पर लोकेशन है ना उस पोर्टल की, वो भी बस आने वाली है। लेकिन भाई साहब ओके एंटिटी 606 क्या हुआ? तो ओके गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि ये जो सामने माउंटेन है ना, मतलब गाइस माउंटेन टाइप जो बायोम है, गाइस एंटिटी 606 का कहना है कि जैसे ही हम लोग ये क्रॉस करेंगे वो पोर्टल वहीं पर होगा। लेकिन गाइस मुझे अभी तक भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि गाइस आखिर कैसे एंटिटी ओमेन मतलब गाइस किरमाड़ा हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन को दोनों को एक साथ गाइस इतना ज्यादा एग्जर्ट कर सकता है। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन की हालत क्या थी जब गाइस हम लोग अपने बेस से बाहर आए थे। और गाइस अभी जब किरमाड़ा हमारे सामने आया था तब तो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा था, और गाइस हम लोग ना उससे बचकर भी निकल गए। लेकिन गाइस हो ना हो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर किरमाड़ा के साथ उस दिन कोई और भी एंटिटी होगा जो कि गाइस हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन के ऊपर अटैक कर रहा होगा। क्योंकि गाइस उस दिन हम लोग उस बेस के अंदर बंद थे, इसीलिए गाइस हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन फाइनली गाइस ऐसा लगता है कि ये वही वाला पोर्टल है। लेकिन एक मिनट भाई, गाइस उस बंदे ने तो सही बताया था। गाइस ये जो पोर्टल है ना ये पूरा पोजेस हुआ हुआ है किसी एंटिटी से। और गाइस यहाँ पर देखो पता नहीं कैसे कैसे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, वो भी गाइस पोर्टल के बाहर। मतलब गाइस पोर्टल के अंदर फिर क्या हाल होगा? लेकिन गाइस यार ये एंटिटी 606 तो खड़े होकर देख रहे हैं, भाई सब कमजोर मॉब है तो क्या हुआ। लेकिन एंटिटी 606 यार गाइस ये तो अंदर चला गया, और गाइस आपको तो याद ही होगा उस बाबे ने हमें अंदर जाने से मना किया था। लेकिन भाई यहाँ पर देखो कोई असली प्लेयर पड़ा हुआ है गाइस, जिसकी बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी है। और गाइस यहाँ पर ना कुछ ट्रैप्स भी बिछे हुए हैं, लेकिन गाइस पता नहीं यार ये किसने किया होगा। तो गाइस क्या मुझे भी एंटिटी 606 के साथ अंदर जाना चाहिए या फिर गाइस मैं यहीं पर रहूं? गाइस पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन गाइस मुझे एंटिटी 606 को लेकर आना ही होगा। ओके गाइस मैं भी चलता हूं। लेकिन ओके गाइस फाइनली एंटिटी 606 यार जल्दी वापस चलो यहां से, क्योंकि उस बाबे ने तो हमें बोला था ना कि तुम लोग उस पोर्टल के अंदर भी मत जाना। लेकिन ओके तो गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा शांति है, और गाइस ऐसा लगता है कि यहाँ का ना पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन एक मिनट गाइस वहाँ पर देखो पेड़ों पर लाश है। गाइस एक एक पेड़ों पर ना किसी असली इंसान की लाश है जो कि गाइस अब ना स्केलेटन में बदल चुके हैं। लेकिन एंटिटी 606 यार क्या हुआ यहाँ पर क्या? तो गाइस एंटिटी 606 का कहना है कि ऐसा लगता है कि गाइस इस डायमेंशन में ना
कोई बहुत ही बड़ी तबाही हुई है, जिसकी वजह से गाइस ये सब हो गया है। और गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि हमें कुछ डिस्कवर करना होगा यहाँ पर, मतलब गाइस थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। ओके, लेकिन यार एंटिटी 606 संभल कर रहना, क्योंकि कोई भी एंटिटी किसी भी वक्त हमारे पीछे लग सकता है। भाई साहब उस चेस्ट में पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, लेकिन गाइस मैं एंटिटी 606 के पीछे ही पीछे रखता हूँ, गाइस कहीं ऐसा ना हो। भाई गाइस यहाँ पर इतना ज्यादा चेन है, वो भी गाइस इतना बड़ा बड़ा। लेकिन एक मिनट, एंटिटी 606 यार ये हम लोग घूम फिर कर वापस कैसे आ गए है क्या? ओके, तो गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि अभी हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा, और गाइस यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। लेकिन गाइस एंटिटी 606 ने ना उस पोर्टल की लोकेशन भी एक बुक पर नोट कर लिया है, और गाइस वो बुक एंटिटी 606 के हाथ पर है। गाइस आप लोग नोट करो। ओके, लेकिन एक मिनट गाइस, यहाँ पर एक और कोई ट्रैप टाइप कुछ है। एंटिटी 606 यार तुम इसके ऊपर क्यों चढ़ रहे हो भाई साहब, ये बिल्कुल पागल है। लेकिन एक मिनट गाइस, ये क्या चीज है भाई? गाइस हमें संभल कर रहना होगा। और गाइस यहाँ पर एक चेस्ट भी लगा हुआ है बीच में। गाइस ऐसा लगता है कि कुछ बंदे इस चेस्ट के लालच में आकर यहाँ पर मर चुके हैं। लेकिन एंटिटी 606 यार उस चेस्ट पे है क्या कुछ? ओह तो ओके गाइस, अभी एंटिटी 606 का कहना है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा नहीं है, मतलब गाइस हमारे काम का। ओके गाइस, एंटिटी 606 मुझे बुला रहा है। लेकिन गाइस ये क्या, इस बंदे को चेन से किसने बांध कर यहाँ पर लटकाया है? गाइस ऐसा लगता है कि इसकी ना भाई सब किसी ने फांसी लगा दी उसके। ओके, लेकिन एक मिनट भाई, गाइस वो क्या चीज है? ऐसा लगता है गाइस कोई स्टैचू टाइप कुछ है। एंटिटी 606 यार संभल कर। और गाइस यहाँ पर ना सूरज भी देखो, पता नहीं गाइस कैसा है, जो कि इस फॉरेस्ट में अंदर आ ही नहीं पा रहा। और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट ना मिलने के कारण गाइस इस फॉरेस्ट के जितना भी ट्री है ना गाइस उस सब की लीव्स रेड हो चुकी है। लेकिन एक मिनट क्या हुआ, क्या वहाँ पर? लेकिन गाइस एक मिनट, ये तो कोई शेडो टाइप कुछ है। लेकिन गाइस ये तो कोई असली एंटिटी है, एंटिटी 606। यार जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, और जरा भी शोर मत करना। लेकिन नहीं गाइस, ये सच में पागल है, मरवाया गई है। लेकिन गाइस उसने तो हमें देख लिया। यार एंटिटी 606 जल्दी, हमें यहाँ से भागना होगा। गाइस वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोई अपना वेपन निकाल रहा है। ओके गाइस मैं जल्दी से भागता हूँ। लेकिन गाइस नहीं, सच में गाइस ये तो हमारे पीछे आ रहा है, एंटिटी 606। यार मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। लेकिन गाइस पता नहीं अभी ये हमारा पीछा कब तक करने वाला है। लेकिन एक मिनट गाइस, हमें आगे तो रास्ता भी नहीं पता। लेकिन एंटिटी 606 यार जल्दी तुम इसके ऊपर अटैक करो अपनी पावर की मदद से। एंटिटी 606 क्या हुआ, क्या तुम्हारी पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन गाइस अभी पता नहीं ये क्या करेगा। नहीं एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये मैं कहाँ पर हूँ? लेकिन नहीं गाइस, ये तो कोई जेल टाइप लगता है। लेकिन गाइस क्या उस एंटिटी ने हमें जेल में डाल दिया है? भैया जी यार मैं कहाँ पर हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मैं कहाँ पर हूँ ये, और गाइस यहाँ पर इतने ज्यादा गार्ड क्यों है? गाइस कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम लोग वहाँ पर गाइस, मतलब जब उस एंटिटी ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब तो गाइस मैं बेहोश हो गया था, और गाइस उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं याद। और गाइस पता नहीं मेरा दोस्त एंटिटी 606 भी कहाँ पर होगा। लेकिन गाइस अभी तक भी हम लोग वापस भी नहीं लौटे उस बंदे के पास। और गाइस हीरो ब्रैन और एंडर ब्रैन की बॉडीज भी, मतलब गाइस एल्बर्ट लेकर आ चुका होगा। लेकिन गाइस मुझे कैसे भी कर यहाँ से निकलना होगा, या फिर गाइस कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। और गाइस एंटिटी 606 का भी मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और गाइस आखिर मैं कहाँ पर हूँ, पहले मुझे ये तो कोई बताए। भैया जी क्या प्लीज मुझे ये बता सकते हो कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ?
भाई साहब पता नहीं, ऐसा लगता है गाइस इसे मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। और गाइस अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइस, मुझे सिर्फ इंतज़ार ही करना होगा। और गाइस उससे भी बुरी बात तो ये है कि मैं अभी यहाँ पर कुछ तोड़ भी नहीं पा रहा गाइस, ना तो ये मैं आयरन बार तोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस जैसे ही मैं इसे हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तब गाइस इसमें निशान तो आ रहा है, मगर गाइस जैसे ही मैं इसे पूरा तोड़ूंगा तब ये दोबारा से जुड़ जाएगा। लेकिन ओके भैया जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? ओके गाइस मुझे देख रहे हैं, मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ और किसने मुझे यहाँ पर बंद किया है? क्या, लेकिन क्या आप मुझे निकाल सकते हो भाई? लेकिन गाइस ये तो बोरन नहीं, भाई साहब तुम आखिर आए कहाँ से हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया है? क्या ओवरवर्ल्ड से? क्या तुम ओवरवर्ल्ड से आए हो? ओके लेकिन गाइस ये तो ओवरवर्ल्ड से ही है, क्या तुम्हें ओवरवर्ल्ड वापस जाना है? क्या ओके फाइनली गाइस लगता है कि ये ओवरवर्ल्ड जाने के लिए कुछ भी कर लेगा। भैया जी मेरे पास एक डील है, आप मुझे यहाँ से निकाल दो और उसके बदले मैं आपको ओवरवर्ल्ड लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। क्या आप ये करोगे या फिर नहीं? कि गाइस लगता है कि ये सोच रहा है, भाई साहब ये बहुत ही अच्छी डील है। ओके फाइनली गाइस ये मान गया। भैया जी जल्दी मुझे यहाँ से कैसे भी कर निकालो और उसके बाद हम दोनों जाएंगे ओवरवर्ल्ड पर, क्योंकि मुझे पता है आपको भी वो एंटिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपसे वो गुलामी कराता होगा। ओके तो गाइस अभी ये बंदे का कहना है कि मैं ना देख कर आता हूँ कि वहाँ पर मतलब गाइस सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। और गाइस उसके बाद इस बंदे का कहना है कि मैं आकर तुम्हें चुपके से यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन गाइस मैंने उसे ये सब तो बोल दिया कि मैं तुम्हें ओवरवर्ल्ड वापस लेकर जाऊंगा, मगर गाइस मुझे तो ये भी नहीं पता इस समय मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और गाइस जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा तब मुझे कहाँ पर जाना है और कैसे जाना है। मगर गाइस उस बंदे का कहना है कि मैं तुम्हें इस जेल से निकाल कर दूंगा। और गाइस जहाँ तक मेरा ख्याल है गाइस उस बंदे को जरूर ये तो पता होगा कि इस जेल से बाहर कैसे निकलते हैं, लेकिन गाइस उसे ये नहीं पता होगा कि ओवरवर्ल्ड का पोर्टल कहाँ पर है। और गाइस आपको तो याद ही होगा जब मैं एंटिटी 606 के साथ उस डायमेंशन में आया था गाइस, जहाँ से हमें उस एंटिटी ने पकड़ा है, तब गाइस वहाँ पर हमने एक पोर्टल खोला था। ओके फाइनली गाइस ये बंदा तो आ चुका है, लेकिन भैया जी क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? ओके कोई भी नहीं देख रहा, आप बस जल्दी से ये केज तोड़ दो। ओके फाइनली गाइस अभी इस बंदे ने ये केज तोड़ दिया नीचे से, लेकिन भैया जी जल्दी से ऊपर वाला भी तोड़ो क्योंकि नीचे से मैं कैसे आऊंगा। क्या गाइस इस बंदे का कहना है कि शोर बहुत ही ज्यादा हो रहा है इसीलिए तुम 2 मिनट चुप कर बैठो। ओके गाइस लेकिन पता नहीं, ओके गाइस ने मुझे एक ट्रैप डोर दिया है, गाइस मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है मैं ऐसे करके यहाँ से, ओके फाइनली मैं गाइस यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। भैया जी किसी को भी नहीं बताना। ओके गाइस मैं यहाँ से निकल तो चुका हूँ, लेकिन गाइस बस कोई देखे नहीं मुझे। भैया जी आप बस आप एक काम करो कि मुझे कैसे भी करके ये जो जेल वाली बेस है ना यहाँ से बाहर लेकर चलो, उसके बाद मैं आपको भी लेकर ओवरवर्ल्ड के पोर्टल वापस चला जाऊंगा, जहाँ से आप ओवरवर्ल्ड अपने वापस जा सकोगे। ओके गाइस अभी इस बंदे का कहना है कि तुम 2 मिनट रुको फिर गाइस हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओके गाइस लगता है कि इस बंदे का कहना है कि तुम मेरा पीछा करो। क्या ओके तो गाइस अभी इस बंदे का कहना है कि तुम बिल्कुल ऐसे चलो कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। गाइस सबको ऐसा लगेगा ना कि इसके बॉस ने बुलाया मुझे। ओके भैया जी किसी से भी बात मत करना भाई। ओके गाइस फाइनली अभी उन गार्ड्स ने हमें आगे तो जाने दे दिया है, मगर गाइस ये भाग क्यों रहा है? क्या हमारे पीछे कोई है क्या? लेकिन एक मिनट गाइस, नहीं गाइस ये तो कोई किंग टाइप कुछ लगता है। लेकिन ओके गाइस ये हमें मुझे एक रूम में लेकर आ चुका है। क्या भैया जी ये है वो पोर्टल? लेकिन एक मिनट गाइस ये तो पूरा ब्लॉक हो रखा है और गाइस मैं इसके अंदर भी नहीं जा पा रहा। लेकिन गाइस मैं ट्राई करता हूँ फिर भी यहाँ से नहीं, गाइस मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। मगर गाइस अब क्या होने वाला है? लेकिन नहीं गाइस उसने तो उस बंदे को भी पकड़ लिया और गाइस अब ये मेरी तरफ आ रहा है। नहीं गाइस ये तो एक ट्राइडेंट लेकर आ रहा है। नहीं भैया जी प्लीज मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं तो बल्कि ओवरवर्ल्ड से आया हूँ। नहीं तुम ट्राइडेंट मत चलाना मेरे ऊपर क्योंकि फिर तुम नहीं बचने वाले। नहीं लेकिन गाइस एक मिनट, ये दोबारा से मैं कहाँ पर हूँ? लेकिन भाई गाइस ये तो ऐसा लगता है कि कोई नया केज है। भाई साहब यहाँ पर मैं क्या करूँ? और गाइस आप एक मिनट, ये क्या गाइस ये केज कैसे टूट रहा है? लेकिन नहीं फाइनली हीरो ब्राइन मेरे दोस्त तुम तो ठीक हो गए हो। ओके गाइस फाइनली हीरो ब्राइन आ चुका है मुझे बचाने के लिए। ओके मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। हीरो ब्राइन यार लेकिन एक मिनट, फाइनली गाइस एंडर ब्राइन और एंटिटी 606 भी है और गाइस एंटिटी 606 को भी इन्होंने बचा लिया। ओके हीरो ब्राइन यार फाइनली मेरे दोस्त तुम यहाँ पर आए गए। और हाँ
अभी हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना गाइस यहाँ पर वो एंटिटी है जो कि हमें दोबारा से मार सकता है, मतलब गाइस पकड़ के ना भाई सब हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन गाइस पता नहीं ये मैं ना अचानक से इस डायमेंशन में कैसे आ गया, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा मैं एक प्रिजन में था और गाइस वहाँ पर एक पोर्टल था जिसके अंदर जाने से हम लोग इस डायमेंशन में आते, मगर गाइस पता नहीं मैं अचानक से इस डायमेंशन में कैसे ट्रैप हो गया। ओके गाइस मुझे जल्दी से नीचे जाना होगा, और गाइस मेरे लिए हीरो ब्रेन ने वाटर लगाने की कोशिश तो की, मगर गाइस वो वाटर नहीं वहाँ पर प्लेस हुआ, क्योंकि गाइस ऐसा लगता है कि ये भी कोई नेदर की तरह डायमेंशन है जहाँ पर गाइस वाटर ना जैसे ही लगाओ वैसे ही गायब हो जाता है। ओके गाइस मैं वहाँ से अभी कूद कर आ तो चुका हूँ, और गाइस मेरे पास अभी सिर्फ 2 HP बची है। और हीरो ब्रेन यार मुझे जल्दी से कुछ खाने का दो, और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? ओके तो गाइस फाइनली अभी हीरो ब्रेन और एंटर ब्रेन का कहना है, मतलब गाइस इन्होंने मुझे बताया कि एल्बर्ट और गाइस वो जो बंदा था ना बूढ़ा आदमी, गाइस उन दोनों ने मिलकर हीरो ब्रेन और एंटर ब्रेन को पता नहीं गाइस किसी पोशन की मदद से ठीक कर दिया। लेकिन गाइस आप लोग मेरी HP देखो, हाफ HP बची है अभी बस। लेकिन गाइस ऐसा लगता है कि वो पोर्टल भी आने वाला है, क्योंकि गाइस ऐसे ही किसी जगह वो पोर्टल था जो कि गाइस एंटिटी 606 और मैंने ओपन किया था। लेकिन भाई साहब गाइस जब उस एंटिटी ने हमें मारा था ना, तब तो मुझे ऐसा लगा था